बेनकाब कर रहे हैं हम रिश्वत खोरों के चेहरे को हमारे ऑपरेशन करंट में। हम आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह देवराज पैसों की बात कर रहे हैं और कितने बेबाक ढंग से वो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ। जो ओड है, जेई है, एक्सएन है, उनकी अपनी टीम अलग होता है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं तो जो आपकी मदद कर सकता हूँ, अपने लेवल की मदद कर सकता हूँ, साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उसको कंसीडर करना ना करना उसके हाथ में, मालिक तो सर बात कर लीजिएगा। पहले मैं कर लिया बात, तभी मैं आपके पास सर सेवन कर लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा सर। कोई चिट्ठी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता हूँ। प्रॉब्लम लाइजनिंग कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ अलग से, सर्विसेज कंपनी सर। थ्री मेरा हो जाएगा तो बहुत मतलब बढ़िया दिन हो जाएगा सर। सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, बात को समझते हैं आप, बात को समझने की कोशिश, आप बचपने वाली बात कर रहे हो। मैंने आपसे कुछ कहा कि मैं एक पैसा लूँगा, दस लूँगा? मैंने कुछ नहीं कहा ना, नहीं सर, नहीं। मैं आपको चिट्ठी बना रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ही ना मानो। आप बात तो उसने करनी है, चिट्ठी तो उसने साइन करनी है, जो उन्होंने कहा मैंने आपको करने कर दिए। फोर्स तो नहीं करा मेरी बात मानो यार। मैंने आपसे कुछ कहा था ना कि मेरे को क्या चाहिए? मैं तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो बात खत्म हो गया। सर SDO साहब ने कहा कि आप कंसिडर कर लोगे। रिजिड कभी भी नहीं होते हैं आप, तो एक रिजिड होकर बैठ गए। सर टोटल सर वो वहाँ पे 15 मांगेंगे सर। मैं आपको बता रहा हूँ पहले, जो सर आपका जेई वगैरह डिपार्टमेंट है, जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, सीलिंग के लिए आएंगे, इन सब चीज़ों के लिए आएंगे, टोटल 15 तक करेंगे सर वो। उनको 5 दे देना सर। टोटल तो 20 का है सर, अगर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, टोटल 20 लेते हैं वो। जैसे प्रमोद साहब वही कराते हैं तो टोटल 20 में करा देते हैं। अच्छा। तो सर फिर कंपनी सर डायरेक्टली फिर इनको ही दे देती। चलो तो सर हमको लाइजनिंग होकर रख रखा है सर, इसलिए रख रखा है कि थोड़ा इसलिए तो है ना, 10 उधर 5 आपके 4 आपके। सर वो 5 में थोड़ी मानेंगे वहाँ पे, तो बता नहीं मुझे, वो करनी पड़ेगी ना आपको, उनसे बात करनी पड़ेगी। अब उनकी बात का तो मैं नहीं कह सकता ना आपको कुछ भी। इतना आपको हुआ ना, जैसे मान लो 1 लाख का आपका क्लेम है तो उस पर 15,000 इस तरह से, मतलब 15% आपको, आप 1 लाख का बैक डेट में करा रहे हो। सर 1,000 कम कर दो। नहीं बिल्कुल नहीं। बाकी सर आपके पास मेरा नंबर है, मेडिक्लेम कराना हो तो सर बता देना, मैं सारे काम करवा दूंगा तेरे से। और जवान शरीर में करते 100-500 में सर आपका तो कुछ नहीं जाएगा। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा सर। इनसे जान पहचान करा सकते हो आप, अजय माखन जी से? सभी से करवा सकते हैं, सभी से जान पहचान भी करवा सकते हैं। बहुत ऊंची और बहुत रसूखदार लोगों से इनकी पहुंच है। जिस तरह से ये बात कर रहे थे, हम इनसे अब आगे भी सवाल करेंगे कि आखिर उनके कहां कहां रसूख है। पहले हम आपको दोबारा एक और रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो आपको पहले भी दिखाया जा चुका है, कि अशोक शर्मा किस तरह से पैसे की बात कर रहे हैं और किस तरह से भ्रष्टाचारी अपने आप होने का सबूत भी दे रहे हैं। और 15-35 हज़ार का डिमांड किया उन्होंने। उसके बाद बेशर्मी की एक वो हंसी आपने देखी होगी, किस तरह से वो हंस रहे हैं। और 30,000 उनको कम लग रहा है, 5,000 कम करने के लिए कहा गया तो उनको वो भी कम लग रहा है। 30,000 उनको पूरे 35 चाहिए। हाँ पैसे लेते हुए ये विजुअल नहीं है, पर हाँ डिमांड करते हुए विजुअल हैं। और जिस तरह से आपने देखा किस बेशर्मी से वो पैसे मांग रहे हैं, हम सीधा जाएंगे हमारे सहयोगी नितेश जी के पास। नितेश आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ें जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे पास विजुअल है, और जिस बेशर्मी से ये तीनों जगह पे आपने देखा मांग रहे हैं पैसे, पैसे ले रहे हैं,
अब क्या लगता है करप्शन पे कहाँ पे आप लगाम डाल रहे हैं? सरकार भी इसमें जिम्मेदार है क्योंकि सरकार को ये सारे कुछ पता अगर हो, अगर नहीं पता है तो हमारे रिपोर्टर, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के पास कहाँ से आ गई ये बातें? देखिए विजेंद्र, बहुत अगर गूढ़ बातों की अगर बात की जाए तो एक चीज़ समझ में आती है कि चोर चाहे हीरा का हो या खीरा का हो, चोर चोर होता है। और यहाँ पर जो स्थिति साफ नज़र आ रही है कि चाहे रकम छोटी हो या बड़ी हो, अधिकारी बड़ा हो या कर्मचारी छोटा हो, लेकिन हर जगह पर जिस तरीके से पैसे की डिमांड है इनमें, साफ तौर पर दिखता है कि इससे एक आम आदमी कितना पिसता होगा, किस तरीके से पिसता होगा, चाहे काम वो सही करा रहा हो चाहे काम वो गलत करा रहा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें सारे सही काम भी होते होंगे, निश्चित तौर पर गलत काम भी होते होंगे, बैक डेट में चीज़ें बनती होंगी, लेकिन उसका रास्ता खोल करके और उसके नाम पे उसे कमाई का जरिया बनाना, ये बड़ी गलत बात है। और जिस तरीके से सामने सारे अधिकारी और जो रिपोर्ट्स आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये घूस लेते हुए साफ बात कर रहे हैं, बेहयाई कही जा सकती है इसे, कि इस तरीके की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है और इसे रोकना बहुत अहम है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ें साफ हो रही हैं और इन्हें, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं ज़रूर मांग करता हूँ प्रशासन से भी। और साथ ही साथ अगर आप कहें तो जितने मंत्री विभाग के हैं, इस विभाग के, उन सभी के लिए कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये तो बात ये हो रही है कि हम बिल ठीक कर दें या कुछ एडजस्टमेंट कर लें दूसरी चीज़ों की। अगर आप नया कनेक्शन लेने जाएं उसके लिए आप देखिए, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कनेक्शन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं उसके बावजूद आपको कनेक्शन नहीं मिलता। बिल्कुल, और बिल ठीक कराने की स्थितियाँ ये हैं कि बिल जानबूझ के गलत आते हैं और फिर उनको ठीक कराया जाता है। एक और मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, आज ही मेरे एक रिपोर्टर ने खबर भेजी, मेवात में घाघस गाँव है, वहाँ आंधी से बिजली के पोल उखड़ गए और वो पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ के लोगों को IPL देखना है, यंग लोगों को, तो अवैध रूप से बिजली ले रहे हैं और एक रात के 1000 रुपये दे रहे हैं। ये आज शाम की रिपोर्ट है मेरे पास। जी बिल्कुल, मतलब इस ढंग की, इस मतलब जो जो भ्रष्टाचार है वो ऐसा, मतलब हर जगह रिश्वतखोरी, लगातार रिश्वतखोर जो शब्द है वो इन लोगों के लिए सही है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ये कर ही रहे हैं। और उसके बाद हर जगह पे आपने देखा होगा उमेश जी, जिस तरह से 20,000 रुपये की डिमांड की उन्होंने कि 20,000 रुपये हम दे देते हैं, हमारे अंडरकवर जो रिपोर्टर, उन्होंने दिया 20,000 रुपये, वो ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनकी ज़रूरत देखिए कि वो उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे पास CM के थ्रू और CM तक पहुंच गए, ये SDO हैं और जिस तरह से इंजीनियर हैं, और उसके बाद वो सीधा CM की बात करते हैं। क्या माजरा है, किस तरह की बातें चल रही हैं यहाँ पे? देखिए कुछ हद तक तो ये बात सही भी है और कुछ हद तक ये बात गलत भी है, क्योंकि अफसर अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपना चारों ओर एक ऑरा खड़ा करने के लिए ये अफवाह फैला देते हैं कि मैं सीधा CM से लिंक रखता हूँ, अगर मेरे संबंध नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी वहाँ के रहने वाली है, या मेरे फला रिश्तेदार के मार्फत मैं उनको जानता हूँ, या मेरा फला रिश्तेदार उनके ऑफिस में काम करता है। मतलब किसी तरह से CM या PM या मंत्री उनसे एक करेक्शन दिखाकर वो बेखौफ रिश्वत की कमाई करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की का दुस्साहस ना करें, वरना उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो बीच बीच में इस तरह का संदेश भी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, कुछ नहीं, और जिनका वो हवाला दे रहे हैं उनको इस बात की हो सकता है जानकारी भी ना हो कि उनके नाम का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अफसरों की एक आदत होती है, और जो रिश्वतखोर होता है वो उसके पैर बहुत कमज़ोर होते हैं, अंदर से वो बहुत कमज़ोर होता है, तो वो लोगों को ये एहसास कराना चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश ना करे, मेरी बहुत दूर तक जो है अप्रोच है, और आप अगर कुछ करेंगे भी तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपको ही मुंह की खानी पड़ेगी। जी लेकिन ये भी सच है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी में अगर भ्रष्टाचार ना हो तो नीचे के लेवल पर भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा। हमारी राजनीति में अगर भ्रष्टाचार ना हो तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से नीचे तक कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी जैसे चुनाव हुए हैं लोकसभा के, एस्टीमेट ये है, एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट है कि 20,000 करोड़ रुपया 543 सीटों पर चुनाव पर खर्च होंगे, लेकिन असलियत में 30,000 करोड़ भी हो सकते हैं, 40,000 करोड़ भी हो सकते हैं। जी मतलब तो ये पैसा कैंडिडेट अपनी जेब से खर्च नहीं कर रहे हैं, ये इधर उधर से आ रहे हैं,
जो रिश्वतखोर अफसर हैं उनको आदेश दे दिया जाता है कि तुम 5 लाख पहुंचा दो, तुम 2 लाख पहुंचा दो, ये दुकानदारों को बोल दिया जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। दिल्ली में एक मेरे मिलने वाले का फोन आया, उसने कहा कि आप बीजेपी के फला फला विधायक को जानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ, वो मेरे साथ काम कर चुके हैं, ये इत्तेफाक की बात है। उनके खिलाफ हारे हुए भी मेरे पुराने मित्र हैं और जो जीते हैं वो भी मित्र हैं। मैंने कहा मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा जी वो मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और जब मैंने 1 लाख देने से मना कर दिया तो उन्होंने MCD को मेरे पीछे लगा दिया कि उनका सामान सड़क पर पड़ा रहता है, उनको जाके खदेड़ो आप जी। तो क्या करूँ, कैसे जान छुड़ाऊँ? मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपने इस तरह से अगर फ़ोन किया है तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो मुझे पार्टी को पैसे इकट्ठा करके देना है, मैं कहाँ से अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, और ये लोग सारे गलत काम करते हैं, इसलिए ये पैसा अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं। वो धमकी वाले अंदाज में कि अगर नहीं देंगे तो फिर यही होगा, और बेशर्मी देखी उस व्यक्ति की। मतलब मैं जितने विशेषण जोड़ना चाहता हूँ वो जोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर, हाँ कुछ कारणों से, लेकिन वो इतनी बेशर्मी कि मेरे मना करने कहने के बावजूद दोबारा फ़ोन किया और उनसे 1 लाख रुपए लेकर रहा वो। तो ये राजनेता अगर चुनाव में इस तरह से धौंस देकर धमकी देकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और तब चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी सुन लें। मैंने हर्षवर्धन के यहाँ फ़ोन किया, उनके PA को मैंने कहा कि इस तरह से वो पैसे मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी इस वक्त चुनाव में बिजी हैं, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ये वाक्य मैंने इसलिए बताया है कि सारे नेताओं में बेशर्मी है ये, ऊपर से नीचे तक, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। बीजेपी का मेरे सामने केस आया इसलिए मैंने साइड कर दिया जी। तो आप बताइए कि इस तरह अगर नेता अगर सुधर जाए, रिश्वतखोरी को कभी बढ़ावा मिल ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं मिल सकता जी। नहीं, या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह से कुछ नेता के बारे में बोले, तो यहाँ तो नेता जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं तो डर के लोग उनको पैसा देते हैं जी। एक जो डर होता है कि अनिल जी कुछ बोल रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि रिश्वत का जो मामला है, मैं जोशी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ऑफिसर अपना ऑरा बनाते हैं, और हो सकता पता ही ना हो कि CM को तो मालूम ही ना हो या उनके कोई कनेक्शन किसी हो सकते हैं किसी को भी जी। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन शुरू हुआ, चाहे BJP की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, ABC किसी की बात हो, आज वो मुद्दा इलेक्शन में गौन हो गया, गायब हो गया। और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जब बने थे, एक ये उमंग जागा था लोगों में कि एक बड़ी साफ और स्वच्छ छवि के PM बने हैं, शायद कुछ लगाम लगे, लेकिन UPA 2 आते आते वो ऐसे मौनी बाबा सिद्ध हो गए कि उनकी नाक के नीचे दुनिया भर के घोटाले हो गए और मालूम नहीं चला। आपकी आंख के नीचे से कोई काजल चुरा के ले जाए और आपको पता ना चले, ये जो तासीर है, ये जो लोगों की आदत है राजनेताओं की। जोशी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर राजनेता सुधरे, आप एक चीज़ और देखिए कि 70 लाख रुपये की लिमिट इस बार चुनाव आयोग ने बनाई MP के इलेक्शन के लिए, और जो खर्चे सबमिट होते हैं वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में। क्या आपको लगता है कि 70 लाख में इलेक्शन हो जाता है? सवाल ही पता नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? अगर ये पैसा करप्शन का नहीं है, रिश्वतखोरी का पैसा नहीं है, तो और कहाँ से आ रहा है? जब भी कोई बात चलेगी, ये कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ आपको ठीक करना है तो लगाम राजनेताओं को कसनी पड़ेगी, अपने ऊपर कसनी पड़ेगी, और अपने इर्द गिर्द जो चौकड़ी बैठती है, जो लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी। नहीं कसेंगे तो करप्शन और बढ़ेगी। नहीं, करप्शन को रोकने की बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक कोशिश है, ये जो ऑपरेशन करंट है, कुछ उमेश जी कह रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं 38 साल पुरानी की बात बता रहा हूँ। धर्मयुग में एक आर्टिकल छपा, हो सकता है कि वो धर्मयुग आज भी मैंने संभाल के रखा हो। उसमें ये था कि एक IAS अफसर अपने ट्रेवलिंग अलाउंसेज के बिल उसने गलत सबमिट किए और वो पकड़ा गया जी। तो उस वक्त की ये घटना है जब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे जी। उनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, IAS अफसर के खिलाफ हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि इनकी मदद से हम सरकार चलाते हैं, और अगर IAS अफसरों ने विद्रोह कर दिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, तो हम सरकार नहीं चला पाएंगे। ठीक उसी दिन से IAS अफसरों को अपनी ताकत का एहसास हुआ और वो मनमानी करने लगे जी। बिल्कुल। तो
जब वहां से मनमानी शुरू हुई तो नीचे के अफसर क्यों मनमानी नहीं करेंगे? और नीचे के अफसरों को जब यह कहा जाएगा कि आपको पैसा इकट्ठा करके हमें पहुंचाना है, आप कहीं से भी लाएं, तो वो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से करप्शन की बात ही नहीं, यहाँ पे आपने देखा कि हम जो कैमरे में, हमारे खुफिया कैमरे में जो कैद हुआ है ऑपरेशन करंट, हम चाह रहे हैं कि ये करंट हर उस रिश्वतखोर को, हर उस भ्रष्टाचारी को लगे जो इस तरह का वाक्या अंजाम देने की सोच रहा हो, या लोगों के जो गाढ़े कमाई के पैसे हों एक ऐसे काम के लिए ले रहा हो जो काम बिल्कुल फ्री होते हैं, मुफ्त होते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लिया था। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारे अंडर कवर जो रिपोर्टर हैं उनके लिए कितना खतरनाक था ये स्टिंग करना, और क्या उस खतरे से वो वाकिफ थे या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।